बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खुशामदीद। खैर मकदम है, इस्तकबाल है और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है, खुशामदीद है, खैर मकदम है और आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो हम चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे जमात दुअम की किताब बाल भारती। स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट उर्दू। मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख अमीना सिराजुद्दीन और आज का हमारा टॉपिक है सबक नंबर 8 नूरुल्ला। इस तरह से अगर आपको टीचर्स कुछ सवालात करते थे तो आप इस तरह से हाथ उठाकर जवाब भी देते थे, है ना? हाजिर जनाब। अब्दुल समद। हाजिर जनाब। अब्दुल सलाम। जनाब मेरा नाम अब्दुल समद है, आप हमेशा मुझे अब्दुल समद क्यों पुकारते हैं? और जनाब मुझे भी आप अब्दुल सलाम कहते हैं। मेरा नाम तो अब्दुल सलाम है। अच्छा किया जो आज तुमने ये बात पूछ ली। तुम्हारा सही नाम अब्दुल समद ही है। इसी तरह तुम्हारे दोस्त का नाम अब्दुल सलाम सही है। आप हमारे नाम इस तरह क्यों लेते हैं? ध्यान से सुनो बच्चों, तुम जो अलिफ बे ते के हुरूफ सीखे हैं, इनमें कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि उनसे पहले अल लिखते हैं तो है मगर पढ़ते नहीं हैं, जैसे ते से रे सीन शीन। और कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनसे पहले लाम पढ़ी जाती है, जैसे बे जी हे काफ काफ। जनाब जैसे मेरा नाम अब्दुल करीम है। तुमने ठीक समझा, तुम्हारे नाम में अब्दुल पढ़ना सही है। अब्दुल करीम को अब्दुल करीम और अब्दुल जब्बार को अब्दुल जब्बार पुकारेंगे। अब देखो मैं कुछ और नाम बोर्ड पर लिखता हूँ।
नजमुन निसा। नजमुन निसा। नजमुन निसा। इसको अलिफ लाम के साथ लिखा गया मगर अलिफ लाम के बगैर पढ़ेंगे। अब दूसरे नाम देखो, नूरुल्ला। नूरुल्ला। इसे इस तरह लिखेंगे और नूरुल्ला पढ़ेंगे। अब्दुल रशीद, शमशुद्दीन, करीमुद्दीन ऐसे ही नाम हैं। अब उन नामों को सुनो और सुनकर दोहराओ। अब्दुल बाकी। अब्दुल बाकी। अब्दुल बाकी। इस नाम को अलिफ लाम के साथ लिखेंगे और लाम के साथ बोलेंगे। ऐसे दूसरे नाम और हैं जैसे नूरुलैन, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक। और जनाब मेरा नाम भी अब्दुल करीम है। सबक नंबर 8, नूरुल्ला दूसरी जमात के उस्ताद बच्चों की हाजिरी ले रहे हैं। बच्चों आपको याद है ना, आपकी भी हाजिरी दी जाती थी क्लास में, आपके भी नाम पुकारे जाते थे, तो फिर आप क्या कहते थे जवाब में? जी हाजिर, यस टीचर, तरह से जवाब देते थे ना आप। तो यहाँ भी दूसरी जमात के उस्ताद क्या कर रहे हैं, हाजिरी ले रहे हैं और नाम पुकार रहे हैं उस्ताद अब्दुल समद। उस्ताद ने अब्दुल समद का नाम पुकारा, अब्दुल समद। अब्दुल समद ने क्या जवाब दिया? हाजिर जनाब। क्या जवाब दिया? हाजिर जनाब। उस्ताद अब्दुल समद दूसरा नाम ले रहे हैं, अब्दुल सलाम। क्या बोल रहे हैं? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम ने जवाब दिया, जी हाजिर हूँ, जी हाजिर हूँ। आप भी इसी तरह से जवाब देते हो ना बच्चों। अब्दुल समद, अब अब्दुल समद कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं? जनाब मेरा नाम अब्दुल समद है, आप हमेशा मुझे अब्दुल समद क्यों पुकारते हैं? अब्दुल समद ने क्या कहा? जनाब मेरा नाम अब्दुल समद है, आप हमेशा मुझे अब्दुल समद क्यों पुकारते हैं? तो अब्दुल सलाम जो बच्चा है उसने भी कुछ कहा। क्या कहा? और जनाब मुझे भी आप अब्दुल सलाम कहते हैं, मेरा नाम तो अब्दुल सलाम है। क्या कहा उसने? अब्दुल सलाम ने क्या कहा? और जनाब मुझे भी आप अब्दुल सलाम कहते हैं, मेरा नाम तो अब्दुल सलाम है। उस्ताद मुस्कुराकर बच्चों की तरफ देखते हैं। अच्छा किया जो आज तुमने ये बात पूछ ली। अब्दुल समद की तरफ देखकर, तुम्हारा नाम, तुम्हारा सही नाम अब्दुल समद ही है। तुम्हारा सही नाम अब्दुल समद ही है। इसी तरह तुम्हारे दोस्त का नाम अब्दुल सलाम सही है। क्या कहा उस्ताद ने मुस्कुराकर बच्चों की तरफ देखते हैं। अच्छा किया जो आज तुमने ये बात पूछ ली। अब्दुल समद की तरफ, जो अब्दुल समद नाम का बच्चा था उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारा सही नाम अब्दुल समद ही है। इसी तरह तुम्हारे दोस्त का नाम अब्दुल सलाम सही है। अब्दुल सलाम।
अब्दुल समद नाम का जो बच्चा है वो क्या कह रहा है, आप हमारे नाम इस तरह क्यों लेते हैं, आप हमारे नाम इस तरह क्यों लेते हैं। उस्ताद तमाम बच्चों से, ध्यान से सुनो बच्चों, तुमने जो अलिफ बे ते के हुरूफ सीखे हैं उनमें कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि उनसे पहले अलिफ लाम लिखते तो हैं मगर पढ़ते नहीं, जैसे ते से रे सी शीन। क्या कहा अब्दुल समद ने, क्या सवाल पूछा, आप हमारे नाम इस तरह क्यों लेते हैं। उस्ताद ने क्या जवाब दिया तमाम बच्चों से कहा ध्यान से सुनो बच्चों, तुम जो अलिफ बे ते के हुरूफ सीखे हैं उनमें कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि उनसे पहले अलिफ और लाम लिखते तो है मगर पढ़ते नहीं, जैसे ते से रे सीन शीन। ये जो चारों हुरूफ है अगर इनसे पहले अलिफ और लाम लिखते हैं, इसके बाद अगर ते या से या रीन या रे या सीन या शीन लिखते हैं तो इसमें पढ़ते नहीं है, ये अलिफ और लाम नहीं पढ़ते बल्कि यहीं से पढ़ते। अब्दुल सलाम, जी हाँ मेरे नाम में सीन आती है, मेरे नाम में सीन आती है। अब्दुल सलाम के नाम में क्या है, सीन आती है। तो ये जो अलिफ और लाम है, ये देखो बच्चों, ये अलिफ और ये लाम इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बल्कि अब्दुल सलाम पढ़ते हैं। उस्ताद मुस्कुराते हैं, और कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनसे पहले लाम पढ़ी जाती है, जैसे बे जीन हे काफ काफ। और उस्ताद ये भी बताते हैं अगर इन चारों में तो आएगा तो अलिफ और लाम तो नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिसमें अगर लाम है तो उसको पढ़ी जाती है, जैसे बे है जीन हे काफ काफ। अगर ये हुरूफ से पहले है लाम उसको पढ़ा जाता है। समझ में आया बच्चों? अब्दुल करीम नाम का बच्चा जो है वो अब क्या बोल रहा है, जनाब जैसे मेरा नाम अब्दुल करीम है, जनाब जैसे मेरा नाम अब्दुल करीम है ना। अब यहाँ अब्दुल करीम इसमें क्या है, नाम पढ़ा जा रहा है, ठीक है। उस्ताद तुमने ठीक समझा, तुम्हारे नाम में अब्दुल पढ़ना सही है, हमारे नाम में अब्दुल पढ़ना सही है। अब्दुल करीम को, अब्दुल करीम और अब्दुल जब्बार को अब्दुल जब्बार पुकारेंगे। क्या कहा उस्ताद ने, तुमने ठीक समझा, तुम्हारे नाम में अब्दुल पढ़ना सही है, अब्दुल करीम को अब्दुल करीम और अब्दुल जब्बार को अब्दुल जब्बार पुकारेंगे। अब देखो मैं कुछ और नाम बोर्ड पर लिखता हूँ, अब उस्ताद जो है वो कुछ और नाम बोर्ड पर लिखते हैं। अब देखो मैं कुछ और नाम बोर्ड पर लिखता हूँ। उस्ताद नजमुन निसा नाम लिखकर बुलंद आवाज में पढ़ते हैं, नजमुन निसा। क्या नाम पढ़ा, नजमुन निसा। उस्ताद ने बोर्ड पर नाम लिखा नजमुन निसा और बुलंद आवाज में क्या पढ़ा, नजमुन निसा। बच्चे दोहराते हैं, बच्चे भी फिर दोहराते हैं नजमुन निसा। उस्ताद इस अलिफ लाम इसे अलिफ लाम के साथ लिखा गया मगर अलिफ लाम के बगैर पढ़ेंगे। अब दूसरे नाम देखो, नजमुन निसा को अलिफ और लाम के साथ लिखा गया लेकिन उसको पढ़ते क्या है, अलिफ लाम को नहीं पढ़ते हैं। अब दूसरे नाम क्या है, ये नूरुल्ला। क्या है ये, नूरुल्ला। अब नूरुल्ला पढ़ते हैं उस्ताद, नूरुल्ला पढ़ते हैं।
साल मुस्कुराते हुए नूरुल्लाह। बच्चे मुस्कुराते हुए नूरुल्लाह। उस्ताद इसे इस तरह लिखेंगे, बोर्ड पर लिखते हैं और नूरुल्लाह पढ़ेंगे। नूरुल्लाह बोर्ड पर लिखकर पढ़ते हैं। अब्दुल रशीद शमसुद्दीन, अब्दुल रशीद शमसुद्दीन करीमुद्दीन ऐसे ही नाम हैं। अब नामों को सुनो और सुनकर दोहराओ। अब्दुल बाकी, तो उसे नूरुल्लाह पढ़ते हैं, उसी तरह अब्दुल रशीद शमसुद्दीन करीमुद्दीन ऐसे ही नाम हैं। अब उन नामों को सुनो और सुनकर दोहराओ। अब्दुल बाकी, यह है अब्दुल रशीद। बोलो बच्चों, अब्दुल रशीद शमसुद्दीन करीमुद्दीन। मैं तो ये आपको दोहराना है, ये नाम सुनना है और दोहराना है। बोलो बच्चों, अब्दुल रशीद शमसुद्दीन करीमुद्दीन। वेरी गुड। बच्चे भी दोहराते हैं, अब्दुल बाकी। बच्चे दोहराते हैं उस नाम को, अब्दुल बाकी। उस्ताद इस नाम को अलिफ लाम के साथ लिखेंगे और लाम के साथ बोलेंगे। लाम भी है और उसको क्या करना है, बोलना है। लाम के साथ पढ़ेंगे इस नाम को, अलिफ और लाम के साथ लिखेंगे और लाम के साथ बोलेंगे। उस्ताद बोर्ड पर अब्दुल बाकी लिखते हैं। ऐसे दूसरे नाम और हैं, जैसे नूरुलैन, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक, अब्दुल करीम। अब्दुल करीम नाम का बच्चा जो है वो क्या बोलता है, और जनाब मेरा नाम भी तो अब्दुल करीम है। सबके सब हंसने लगते हैं। तो उस्ताद ने क्या कहा कि अब्दुल बाकी ये जो नाम है उसको अलिफ और लाम के साथ लिखेंगे और लाम के साथ बोलेंगे। उस्ताद पर अब्दुल बाकी लिखते हैं। ऐसे दूसरे नाम और हैं, जैसे नूरुलैन, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक। नूरुलैन, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक, अब्दुल करीम। अब्दुल करीम नाम का बच्चा क्या होता है, और जनाब मेरा नाम भी अब्दुल करीम है। सब हंसने लगते हैं। पानी पीने का वक्त हो गया है बच्चों, चलिए पानी पी लीजिए। पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है और वक्त वक्त पर पानी पीना चाहिए। और पानी पीने से हमारे जिस्म में जो भी, एक तो हमें प्यास लगती है, हमें पानी की जरूरत होती है, तो पानी पीना जरूरी है, तो पानी पीना ही चाहिए। और पानी पीने से बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं, और हमारे जिसमें अगर कोई नुकसानदार चीज चले गई है तो वो भी पानी पीने से जो है वो निकल जाती है जिस्म के बाहर। तो आप पानी पीजिए, और मैं भी पानी पीती हूँ। चलिए पानी पी लिया आपने, वेरी गुड, शाबाश। अब जो जो उस्ताद हैं वो बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ सवालात पूछ रहे हैं, उसके जवाब देना है और मशक भी करना है साथ। देखो पढ़ो लिखो, तुमको जो है पहले देखना है ध्यान से, पहले जवाब नहीं देना है बच्चों, पहले ध्यान से देखो, पढ़ो और फिर लिखो। ठीक है,
अब ये क्या लिखा है आप देखो, देख लिया आपने क्या लिखा है, ये जमात, क्या लिखा है जमात। अब इसको आप पढ़ोगे कैसा, ज मा अत, जमात, क्या है ये जमात, जमात है ना, बोलो आप भी बोलो जमात, जमात। अब ये जो है यहाँ इस तरह लिखना है वापस, ठीक है। अब ये देखो बच्चों ये क्या है, ये हाजरी, क्या है ये लिखा है हाजरी, इसको किस तरह से पढ़ेंगे, ह ज री, हाजरी, बोलो बच्चों हाजरी, 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 बोलो हाजरी, हाजरी। अब ये हाजरी तो यहाँ लिखोगे, ठीक है। इसके बाद है अब्दुल समद, क्या है ये अब्दुल समद, यहाँ अलीफ और लाम है लेकिन हम यहाँ अलीफ और लाम नहीं पढ़ेंगे, अब्दुल समद को कैसे पढ़ेंगे, अब दुस्समद, अब दुस्समद, ठीक है, अब दुस्समद, बोलो बच्चों आप अब्दुल समद, अब्दुल समद, अब्दुल समद, और ये यहाँ तुम लिखोगे अब्दुल समद, ठीक है। ये क्या है अब्दुल करीम, क्या है अब्दुल करीम, कैसे पढ़ना है अच्छे से, अब्दुल करीम, अब्दुल करीम, ठीक है, अब्दुल करीम, अब्दुल करीम। ये जो है जबर है तो उसकी आवाज क्या हो जाएगी, अ की आएगी, ये पेश है तो ऊ की आवाज आएगी, समझ में आ गया बच्चों, तो आपको इसी तरह पढ़ना है अब्दुल करीम। चलिए मेरे साथ बोलिए अब्दुल करीम, बोलो बच्चों अब्दुल करीम, इसको तुमको यहाँ लिखना भी, ठीक है। फिर है ये सही, क्या लिखा है ये देखो ध्यान से, सही, इसमें क्या क्या है, स ही ह, सही, सही, ठीक है बच्चों, सही, बोलो सही, सही, तो यहाँ भी आप लिखोगे सही, ठीक है, अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है सही, समझ में आ गया बच्चों, जमात, हाजरी, दुसमत, अब्दुल करीम, सही, ठीक है, तो आप पढ़ो और लिखो भी। क्या है हुरूफ, क्या लिखा है हुरूफ, हम कैसे पढ़ेंगे, पे देखो अ पे क्या है पेश, तो उसकी आवाज कैसी रहती है उ की, तो हुरूफ, हुरूफ, बोलो बच्चों हुरूफ, बोलो बच्चों हुरूफ, हुरूफ, तो आप इसको अच्छी राइटिंग में यहाँ लिखोगे भी, ठीक है, हुरूफ, समझ में आ गया। ये क्या है नजमुन निसा, नजमुन निसा, कैसे पढ़ेंगे हम, नजमुन निसा, नजमुन निसा, समझ में आ गया, नजमुन निसा, नजमुन निसा, बोलो बच्चों नजमुन निसा, नजमुन निसा, वेरी गुड। अभी आप जो है नजमुन निसा इस तरह यहाँ लिखेंगे, ठीक है, आपकी किताब में। ये क्या है बुलंद, क्या है ये बच्चों बुलंद, इसे पढ़ेंगे हम बुलंद, 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 अब यहाँ लिखोगे बुलंद, ठीक है। नूरुल्ला, क्या है ये नूरुल्ला, नूरुल्ला, कैसे हम पढ़ेंगे, नू रुल, नो रुल ला, नो रुल ला, नो रुल ला, तो इसको आप पढ़िए नूरुल्ला, और यहाँ जो है वो लिखना है अच्छी राइटिंग, ये बच्चों ये क्या है अब्दुल हक, क्या है बच्चों अब्दुल हक, इसको कैसा पढ़ेंगे हम, अब्दुल हक, अब्दुल हक, अब्दुल हक, बोलो बच्चों अब्दुल हक, अब्दुल हक, अब्दुल हक, तो अब्दुल हक को यहाँ तुम अच्छी राइटिंग में लिखोगे अब्दुल हक, वेरी गुड, शाबाश।
उस्ताद जेल के नामों को बोर्ड पर लिखे और उन्हें पढ़े। तलबा दोहराए। अब्दुल्ला, बोलो बच्चों, अब्दुल्ला। नजमुन्निसा, नजमुन्निसा। अब्दुस्समद, अब्दुस्समद। नूरल्ला, नूरल्ला। नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन। अब्दुल बाकी, अब्दुल बाकी। अब्दुल रशीद, अब्दुल रशीद। शमसुद्दीन, शमसुद्दीन। नूरुलैन, नूरुलैन। नूरुद्दीन, नूरुद्दीन। अब्दुल करीम, अब्दुल करीम। करीमुद्दीन, करीमुद्दीन। अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार। कमरुज़्ज़मा, कमरुज़्ज़मा। अब्दुल हक, अब्दुल हक। शमसुन्निसा, शमसुन्निसा। वेरी गुड। अब उस्ताद क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ बच्चों। उस्ताद जो है वो तलबा की जोड़ियां बनाए। उस्ताद क्या करे, तलबा की जोड़ियां बनाए। एक तालिबिन वो नाम ले जिसमें नाम पढ़ा जाता है। एक तालिबिन वो नाम ले जिसमें नाम पढ़ा जाता है। जैसे अब्दुल करीम, क्या ये अब्दुल करीम, इसमें जो है नाम पढ़ा जाता है अब्दुल करीम। दूसरा नाम क्या है, अब्दुल गफ्फार, क्या नाम है अब्दुल गफ्फार। तीसरा अब्दुल हक, क्या है ये अब्दुल हक। वेरी गुड। अपने पांच दोस्तों या सहेलियों के नाम इस तरह तोड़ कर लिखो। अपने पांच दोस्तों या सहेलियों के नाम इसी तरह तोड़ कर लिखो। ये से अब्दुल जमा करीम, अब्दुल जमा गफ्फार, अब्दुल जमा हक। इस तरह से आपको क्या करना है, नाम लिखना है। तो आपकी किताब में ये काम दिया गया है, तो आप मश्क में उसको कीजिए। इस तरह से आपको नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप पहले कॉपी में इसको लिख लीजिए तीनों को, और इसी तरह और पांच नाम लिखिए अपने दोस्तों के। जो लड़के होंगे अपने दोस्तों के लिखेंगे, जो लड़कियां होंगी वो अपनी सहेलियों के नाम लिखेंगी, ठीक है ना। आज का सेशन जो है वो ही खत्म होता है बच्चों। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो आप इसको सबक को दोबारा पढ़िए, ठीक है। और जो समझ में नहीं आए ये वीडियो आप वापस देख सकते हो, ठीक है बच्चों। और जो काम दिया गया उसे आप पूरा करो और अपने क्लास टीचर को उसको चेक करने के लिए भेजो, ठीक है। और इसकी ऑडियो बनाओ, सबक को पढ़ते हुए आप क्या करो, ऑडियो बनाओ और अपने टीचर को भेजो, या फिर वीडियो बनाओ और पढ़ते हुए, सबक पढ़ते हुए वीडियो बनाओ और अपने क्लास टीचर को भेजो, ठीक है। और आपको इसी तरह की वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं, ऐसे एजुकेशनल वीडियोस, तो आप ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सब्सक्राइब लिखा है, इसी तरह से वहाँ चैनल के नीचे भी लिखा हुआ, आप उसको ऐसा सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बेल आइकन है इसको प्रेस कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जो भी नए एजुकेशनल वीडियोस आएंगे चैनल पे, आपको आप आसानी से देख सकते हो और आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, नहीं ये वीडियो आ गया है, अब आप देख लीजिए। तो जो भी नया एजुकेशनल वीडियो आता है तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, सब्सक्राइब नाउ। अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिए। और नीचे इस तरह से बनेंगे, ये देखो नीचे चैनल के
उसको आपको क्या करना है, लाइक करना है, उसको भी इस तरह से प्रेस करना है, वो क्या हो जाएगा, लाइक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है? समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, और हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया बच्चों, फिर मिलते हैं हम। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप ज़रूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मज़ेदार एक्टिविटी, तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको उसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे, लाइक का बटन नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए, तो वो वीडियो लाइक, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मालूमात हासिल की है, आपने जो भी समझा है और आपको जो भी काम दिया गया है आप उसको पूरा कीजिए और अपने क्लास टीचर से चेक करवाइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।